हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डी टू के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो एक्चुअली कुछ दिनों से व्हाट्सएप सिक्योरिटी के बारे में ये बात सारी चर्चा होती रही है, तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप का एक अजीब सा सिक्योरिटी जो कि आपको सिक्योर भी करती है, साथ ही साथ आपको हैकर की ओर भी ढकेलती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो बने रहिए वीडियो पे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा वो व्हाट्सएप सिक्योरिटी है जो कि बार बार फेल हो रही है। तो आप सभी को पता होगा कि व्हाट्सएप में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? अगर आपको एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड सेट करना होता है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, अगर आपका वो व्हाट्सएप को ओटीपी भी देख लेता है फिर भी जब तक वो टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला कोड ना डाले तो फिर क्या होगा, आपके व्हाट्सएप के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। बट ये जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है यही क्या हो रही है, व्हाट्सएप के अकाउंट को आपको डिलीट करवा सकती है परमानेंट के लिए। वो भी कोई भी कर सकता है, जीरो हैकर जिसको बोला जाए, मतलब है जिसको हैकिंग का कुछ भी टिप्स वगैरह कुछ नहीं पता हो, वो भी चाहे तो आपको व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकता है, सिर्फ उसके पास आपका नंबर होना चाहिए। जी हाँ, इतनी आसान तरीका से वो डिलीट कर सकता है। तो बात करते हैं हम लोग पूरा फुल डिटेल्स में कि ये कैसे होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपका मान के चलिए कोई नंबर आपको किसी को मिल गया जो भी हैकर वगैरह हो, उस नंबर से क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करेंगे, व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करने के बाद क्या होता है, उसमें आपको ओटीपी खोजेंगे। सबसे पहली बात ये होता है, मान लीजिए ऑलरेडी आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपका ओपन है मोबाइल पे, फिर भी आपका अगर दूसरे नंबर से आप करना चाहोगे तो व्हाट्सएप ओटीपी खोजेगी। अगर ओटीपी उसको पता चली है किसी भी तरह, मान के चलिए कोई आपका कलिंग्स वगैरह है, कोई भी अगल बगल का है जिसको आपको बारे में पता है, आपका मोबाइल वो चंद सेकंड के लिए लेगा, ओटीपी पता चली है, या तो कोई ऐसा हैकर से जो क्या करते हैं रिमोटली ये काम कर सकते हैं, जैसे रिमोट एक्सेसिंग है बहुत सारा, जैसे मैंने बताया था, ओटीपी अगर आपको पता चली है तो ओटीपी पता चलने के बाद आप सोच रहे हो कि मेरा तो टू स्टेप वेरिफिकेशन दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। बट टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है, जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड पूछेगा आप, उसमें क्या होता है, अगर आप 5 से 6 बार गलत कोड डाल दिए टू स्टेप वेरिफिकेशन में, तो ऑटोमेटिक क्या होगी, व्हाट्सएप आपके अकाउंट को 12 घंटा के लिए ब्लॉक कर देगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप करके देख सकते हैं, बट व्हाट्सएप जो ब्लॉक करेगी वो मुझे कुछ नहीं पता, ये चीज़ आप खुद ब खुद देखिएगा। व्हाट्सएप क्या होती है, जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड आप गलत डालते हो तो क्या होती है, व्हाट्सएप आपके अकाउंट को 12 घंटे तक के लिए ब्लॉक कर देती है, आप व्हाट्सएप में कुछ भी एक्सेस वगैरह नहीं कर पाओगे। तब हैकर क्या करती है, आपको ईमेल आईडी एक वो अपना डालती है, रिकवरी ईमेल आईडी, ठीक है, रिकवरी ईमेल आईडी में क्या होती है, व्हाट्सएप जो है वही व्हाट्सएप का लेस सिक्योरिटी है कि व्हाट्सएप में क्या होती है, रिकवरी ईमेल आईडी में कुछ भी पूछा नहीं जाता है। सिक्योरिटी में जैसे कि मैंने बताया कुछ पूछा नहीं जाता, तो जिस कारण क्या होता है आपका वो जो भी हैकर है वो क्या होता है, सीधे आपके अकाउंट को वहीं से ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए रिकवरी जो भी आपका ईमेल आईडी वो सेट करते हैं या पासवर्ड सेट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो उस अकाउंट को सीधा ब्लॉक कर देते हैं और उसकी जगह अपने नंबर पर नया अकाउंट खोल लेते हैं। ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से, जो चीज़ें मैंने बताया उसके फॉलो करके। तो ये छोटा सा ट्रिक वो लोग अपनाते हैं और व्हाट्सएप से आपका आसानी से व्हाट्सएप को डिलीट कर देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन अभी तक जिन्होंने ऑन नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का ऑसम वीडियो मैं चैनल पर लाते रहता हूँ। बाय बाय।